press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूज, आज मैं दही कबाब बना रही हूँ। मेरे को इसके लिए चाहिए दही। दही के साथ मेरे मसाले चाहिए जो इसमें जो डालने हैं। होममेड चाट मसाला है, धनिया पाउडर है, रोस्टेड जीरा पाउडर और लाल मिर्च, ये डालने हैं। मेरे पास धनिया और मिर्ची हैं, छोटी मिर्ची ये मैंने डाली हुई है काट के तीन। रोस्टेड धनिया की सीड्स हैं, मैंने क्रश किया हुआ है। मेरे पास बेसन है और ब्रेड क्रम है। इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ भी डालना है, लहसुन भी डालना, पीसा हुआ लहसुन है, नमक पड़ेगा। मेरे पास आधा किलो दही था, मैंने उसको हंग कट बनाया हुआ है। एक मलमल के कपड़े में उसको बांध के रखा हुआ है 3-4 घंटे, जिससे इसका सारा पानी सूख गया है। ये देखिए बिल्कुल गिरेगा भी नहीं ऐसे। जो बेसन है, मैं ऐसे तो नहीं डालूंगी बेसन, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। दही का कबाब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। यही तो मैंने आपको बता दिया, आप देखिए मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। इसकी जब थोड़ी सी खुशबू आए ना, तब भी इसको बंद कर दीजिए। मेरे पास 3 सर्विंग स्पून, ये देखिए इस टाइप का प्याज हो। अगर आपका मन करता है तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना छोटा प्याज हो। धनिया और मिर्ची मैंने दोनों मिक्स की हुई है। ये धनिया मैं दूसरा वाला धनिया डालूंगी जो क्रश किया हुआ है। मैं तो बस थोड़ी ही डालूंगी टेस्ट के लिए। ये देखिए बस अब मैं इसको मिक्स करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालिए, जितना भी खा सकते हैं। वैसे मैंने तो 1/2 टेबल स्पून डाला, अगर मेरे को लगा कि और कम है तो मैं बाद में डाल दूंगी। देखिए कितना कलरफुल बना है। हाथ में इसको मिक्स कीजिए, ये देखिए ऐसा बन गया मटेरियल पूरा ये करके। अब मैंने इसको क्या करना, थोड़ा सा अपने हाथ में पानी लगाना है और इसके गोल बनाने हैं, बॉल बनाए जैसे जो शेप आपकी आपकी मर्जी है। ये देखिए ऐसे बन गए। अब इनको इसमें रखिए रेड क्रम में। रखिए फिर सिम कर दीजिए, क्योंकि जो इस ये बाहर से ही हो जाएंगे, अंदर से नहीं होंगे। फिर ये देखिए इतना तेल गर्म होना चाहिए। हाँ जी, ये देखिए होते वो डेलिकेट है, इनको आराम से निकालिएगा। ये देखिए पूरे हो गए। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना है इसको, हाई पे नहीं रखना है। निकालिए इसको किचन टॉवल पे या नैपकिन पे, बस इसका जो भी ऑयल शॉयल होगा सारा ऑब्जर्व हो जाएगा। मेरे तो हो गए सारे, अब मैं इनको प्लेटिंग करूँगी फिर। हाँ जी, मैंने डिश आउट तो कर दिया। आप ये ज़रूर बनाइएगा, डिप के साथ खाइए या चटनी, जो भी आपको अच्छी लगे वो खाइए। मैंने तो डिप रखी हुई है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।